देना है सर, क्या है पाँच साल तक, क्या जनता को आप क्या देना चाहेंगे पाँच साल तक, आपकी कार्य योजना क्या है? चुनाव के समय हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया है। अपने संकल्प पत्र में जितने भी विषय हम लोग लाए उन सबको पूरा करना ही हमारी प्राथमिकता है। और जो दिल्ली सरकार की योजना है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी जिस तरह का उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं उनकी भावनाओं को भी शामिल करके कार्य योजना बन रही है। अपने संकल्प पत्र के माध्यम से ही काम करेंगे। सर, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है शिवपुर, काफ़ी पिछड़ा इलाका है और वहाँ पे एक ग्राम सभा फुलवरियाँ आता है, वहाँ पे तीन फाटक हैं जिससे कि उधर के लोगों को काफ़ी समस्या पड़ रही है, उसके लिए सर आपने क्या कार्य योजना बनाई है? जनता के साथ बैठेंगे, अभी तो नया नया मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, नई सरकार बनी है, अभी तो विभागों के प्रेजेंटेशन वगैरह चल रहे हैं, अभी 10-15 दिन एक महीने में खाली होकर स्थानीय लोगों के साथ बैठेंगे, उन लोगों से बात विचार किया जाएगा, जनता का जो भी सुझाव आएगा उस हिसाब से काम। सर, ये होमगार्ड जितने भी सर आपके यहाँ हैं उनके उनसे सर बहुत जब वो रिटायर होते हैं तो वो उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पेंशन से और भी चीज़ें सामना करते हैं, बहुत मुश्किल होती है रिटायर होने के बाद उनको, उनके साथ उसके लिए नहीं, उनके पास और रिटायर होने के बाद ही मुश्किल नहीं है, अब भी वो जब रिटायर नहीं भी होते तब भी परेशानी झेल उसके सर, उसके लिए सर आपने क्या कार्य योजना बनाई? हाँ, पिछली सरकारों ने उनको इतना उपेक्षित कर दिया है, उनके मनोबल को इतना तोड़ दिया है। जवाब सुनिए ना, आपने सवाल कर दिया तो एक बार जवाब सुनिए, कुछ सीखिए।